जाने दो ना। सॉरी मैम, इट्स कपल नाइट। सो वी ओनली टू गर्ल्स यार। प्लीज। हे, वो भी अकेले खड़े हैं। हे बॉयज, कम। भैंस ने पिया दूध, बंटी बन गया डूड। व्हाट? जी नथिंग नथिंग। व्हाट अ क्रीपो। ओए, क्रीप क्या होता है? कुछ खाने को होगा। जी myself बंटी सहवाग जी, एक्टर हूँ जी। जी मेरा कार्ड। एक्टर? कौन सा फिल्म? जी फिलहाल तो स्ट्रगलिंग चल रही है, मगर फिल्म आई जाएगी। ऑन द वे है। लेट्स गो। कैसे कैसे डांस करता है यार। ही इज कमिंग। आ गया। थैंक्स बट नो थैंक्स। कोई बात नहीं जी। दैट्स अ मेन ट्रैक। एटलीस्ट बात तो कर लेती। के बोलो मैडम जी, दैट्स कंप्लीटली अनफेयर यार। गॉड, जस्ट लुक एट हिम डूड, अ टिपिकल स्ट्रगलिंग एक्टर। आई एम टेलिंग यू, ऐसे बंदों से ना दूर ही रहो तो ही बेटर है। एनीवेज यार, हमारी डिप्लोमा फिल्म को सिर्फ 15 दिन बचे हैं। प्लीज यार, कल तो अपनी मॉम से बात करना। मॉम की क्या जरूरत है, हम है ना, हम नहीं कर सकते। ओके, चीयर्स ऑन दैट। सी द क्रीपो। डोंट वरी ग्रिजली, ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर दैट योर फिल्म गेट्स अ 3.5 to 4 star रेटिंग। ऑलराइट, स्टारशाइन मैगजीन के एडिटर हूँ, अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ओके डार्लिंग, आई नीडेड अ फेवर फ्रॉम यू। यू नो माई डॉटर प्रत्युषा, राइट? मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपनी फिल्म में एडी ले लो। दैट्स राइट, ऑफ कोर्स, आई नो आई कुड ऑलवेज काउंट ऑन यू। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा मॉम, प्लीज सिट, आई रियली नीड टू स्पीक अबाउट माई डिप्लोमा फिल्म। तुम्हारा मन नहीं भरा इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद? ऑल दिस आर्टी स्टफ इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। ऑलरेडी 3 साल तुमने गवा दिए हैं ये कोर्स करते करते, और अब ये डिप्लोमा फिल्म जिसके लिए तुम्हारे पास टॉपिक तक नहीं है। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी ब्रैट। एक अच्छी डॉक्यू के लिए डिग्री की नहीं, सेट एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए क्या चाहिए? पैशन, क्राफ्ट, which I have, and you will see, mom. ये वाली मेरी फिल्म ना, it's gonna win awards. कौन कौन ही देखने वाला है इसको? It'll be a breakthrough. You wait and watch. All right, go for it. Do your own thing. उन strugglers की तरह जो रास्ते पे घूमते हैं। कुछ 20 साल लग जाएंगे तुझे ये docu complete करते करते। And then if nothing happens, come to me. I'll get it done in 2 years. Struggler. Struggler? Yes. Okay. और हमारा struggler होगा कौन? That creep. Yep. His name is Bunty Sehwag. Hello, Bunty. मैं प्रत्युषा बोल रही हूँ। हम कल क्लब में मिले थे, याद है? हाँ मैडम जी, बोलो बोलो। Okay. तो तुम मुझसे अभी आधे घंटे में मिलने आ सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। Okay. जल्दी आओ। ये मैडम जी, आपने बुलाया तो मैं आया। थैंक यू। क्या बात है मैडम जी, आप तो बड़े क्विक निकले।
कॉफी वॉफी तो चलो पीते रहेंगे, मगर इसके बाद डिनर पे कहाँ जाना है? What do you mean? ऐसे ही होता है ना, पहले लोग कॉफी पे जाते हैं, कॉफी के बाद डिनर पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव। ये डेट नहीं, तुम्हें यहाँ काम के लिए बुलाया गया है। ओह। So basically, हमारी ये डिप्लोमा फिल्म स्ट्रगलिंग एक्टर की रोज की स्ट्रगल की कहानी है। हम इसे फेस्टिवल्स में भेजेंगे और So tell me, are you game? Bunty. सुन जाओ ना तुम। जी 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 जी। अरे आप कुछ भी करा लो मुझसे, सब कुछ कर देंगे। Okay. तो ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। अगले 14 दिन के लिए तुम हमारे साथ बुक हो। हर एक पेज पे यहाँ नीचे तुमने साइन करना है। बस एक बात है कि हम तुम्हें पैसे तो नहीं दे पाएंगे, पर एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। अरे मैडम जी कोई बात नहीं, 14 दिन में बिल्कुल फ्री हूँ आपके लिए, आप मुझसे कुछ भी करा दो। ओके देन। ओके देन, थैंक यू। बस तो कल तुम्हारे घर से शुरू करते हैं। ओके मैडम जी, चलता हूँ, बाय। क्यूट चीज है यार, रास्ते पे फुल ऑन लट्टू है। गेट अ लाइफ रूची। मेरा फोकस इस टाइम ना सिर्फ ये फिल्म है। मुझे किसी भी हालत में ना मॉम को ये प्रूव करना है कि मैं भी उनके बगैर कुछ कर सकती हूँ। इट्स लाइक अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर माय करियर, यू नो। पक्का ये यहाँ पे रहता है? जी मैडम, आइए 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 मैडम आइए बैठे। बंटी जी यहाँ रहते हैं? यही रहते हैं जी, बैठिए ना मैडम। चाय कॉफी? नहीं थैंक यू। बंटी जी जिम गए, अभी बस आते ही होंगे मैडम। यार ये किस एंगल से स्ट्रगलर का घर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बंटी यहाँ रहता है। डोले बनाएंगे, सबको दिखाएंगे। वो? अरे मैडम जी आप बड़ी जल्दी आ गए। मैडम जी आपके लिए। ये क्या है बंटी? गुलदस्ता। बंटी पर मैं जिंदा हूँ। तो? बंटी डेड बॉडी पे चढ़ाने वाला गुलदस्ता है। सॉरी मैडम जी, मेरे को बड़ा पसंद आया तो आपके लिए ले आया। वो क्या है ना, आपको देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है मेरी, कुछ समझ ही नहीं आता क्या लूं। कोई बात नहीं बंटी, इट्स अ थॉट दैट मैटर्स। ये क्या बंटी, तूने मुझे बताया नहीं कि तू स्ट्रगलर नहीं है? तो बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। पर क्या पंगा हो गया? किसी और को कास्ट करना पड़ेगा। अरे नहीं मैडम जी, मैडम जी ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये सब तो मेरे बापू का है, उनके 16 डेयरी फार्म है ना, उसी की मेहरबानी है सब। इसमें से कुछ नहीं है मेरा, सच्ची मुच्ची। मैं तो अभी भी फिल्म की लाइन में बहुत बड़ा स्ट्रगलर हूँ, मतलब सच्ची में रोज सुबह ऑडिशन देने जाता हूँ और धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता हूँ, मुझसे बड़ा स्ट्रगलर कोई नहीं। मैडम जी आप मेरी बात मानो ना, सच्ची कह रहा हूँ। नहीं यार बंटी, ये कोई नहीं यार, टाइम कम है, इसी से स्ट्रगलर वाली एक्टिंग करवा लेते हैं। मैडम जी इतनी तगड़ी एक्टिंग करूंगा ना आपकी पिक्चर में, सुपर हिट बना दूंगा, मुझसे बड़ा स्ट्रगलर उस पिक्चर में कोई नजर नहीं आएगा आपको, मैं सच्ची। बंटी पर तेरे लुक तो देख, तेरे कपड़े वो। अरे मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं है, वार्डरोब है पूरा मेरा, इतने सारे कपड़े हैं, चूज कर लो, चलो। ओह माय गॉड, एंड लुक एट दिस, रियली। आपको नहीं कुछ नहीं मिला बंटी, आई मीन ये क्या, ये स्ट्रगलर के कपड़े हैं, आई मीन कम ऑन। मैडम जी अब मेरे पास तो यही कपड़े हैं, बाकी वैसे आइडिया है मेरे पास एक। आइडिया? बंदा रेडी है। एंड जी ऐसा करते हैं, इसको स्ट्रगलर वाले कपड़े पहना लेते हैं और मेकअप से
असली इफेक्ट भी आ जाएगा स्ट्रगलर का। बट अगर फिर भी हॉट लगा तो शराब अगर मैंने डिसाइड किया ना तो इसे मैं स्ट्रगलर बनाकर ही रहूंगी। तो ऐसा कर, लोकेशन पे जाके कैमरा की सेटिंग कर और मैं बंटी जी को स्ट्रगलर बनाकर आती हूँ। चलिए बंटी जी। हाँ कैसे लग रहा है? अब आपने बनाया तो अच्छा ही लग रहा होगा। पता नहीं, शायद नहीं। मैडम जी आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ स्ट्रगलर वाली एक्टिंग करके दिखाता हूँ आपको बढ़िया से एकदम। वी मेकिंग अ मूवी ना, फिल्म बना रहे हैं। वी नॉट डूइंग एनी नौटंकी हियर, ओके? अरे मैडम जी नौटंकी की क्या बात है, बचपन से नौटंकी करता आ रहा हूँ। रामलीला में अंगद बनता था, ये वाला पाव ये रख देता था, कोई दाएं और बाएं हिला नहीं सकता था। तुम कौन से प्लैनेट से हो बंटी? गुड़गांव से मैडम जी। मैडम जी एक बात कहूँ आपसे? कहो। ऐसी बड़ी क्वीट लगती हो जी आप। कटिंग देना। देखो जी ये होती है स्ट्रगलर की लाइफ, नाश्ते में बड़ा पाओ, लंच में बड़ा पाओ, डिनर में भी बड़ा पाओ, उसके साथ हो जाती है कटिंग। चलो जी चलते हैं। ओके कट। पता है मुझसे तेरे बारे में पूछ रहा था कि मैडम जी को क्या क्या पसंद है और मैं उन्हें कैसा लगता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिसन रुचि, अगर मैं उस पर ध्यान देने लग गई ना तो ये फिल्म नहीं बनेगी। So let's just keep it professional, okay? अरे मैडम जी पता है बड़ी सही चीज हुई। क्या? ऑडिशन देने गया था, एक बंदा मिला। हाँ? कहता भाई तू राइट प्रोफाइल से बॉबी तो और लेफ्ट प्रोफाइल से सनी तो लगता हूं। मेरा दिन बना दिया उसने, जाट में ठहरा, आइसक्रीम खाने ले गया था उसको। बेटा ये लो। अरे मैडम जी पैसे मैं दूंगा, आप थोड़ी होगी। अरे मैं पढ़ी सुनो ना, पैसे मैं दूंगी। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, प्यार भी तो कोई चीज होती है। जैसे जैसे सपनों के शहर में सूरज डूबता है ना,
वैसे वैसे एक स्ट्रगलर की उम्मीदें भी डूब जाती हैं। ओके, कट इट। ग्रेट शॉट या बंटी। अरे मैडम जी, आप उधर लाइन बोलती हो, इधर हमें याद हो जाती है। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी लाइट जा रही है, कॉस्ट्यूम चेंज भी करना है, और ये लेंस चेंज भी करे प्लीज। और बंटी, आप प्लीज अपनी टी शर्ट चेंज कर। ये ले। क्या हुआ? अटक गई है। फिर इतनी बॉडी क्यों बनाते हो अभी? गर्दन पे शायद। हाँ, मुझे थी नेकलेस। फोकस बेबी, फोकस, फोकस ऑन योर जॉब। और अगर ये शॉर्ट फिल्म नहीं बनी ना, तो मम्मा के ताने सुनने पड़ेंगे लाइफ पर। नो, कैनॉट हैपन। फोकस, कम ऑन, यू कैन बी प्रोफेशनल, है ना? हाँ, बन सकती हूँ, क्यों नहीं। ओके ओके, रेडी रेडी एवरीबॉडी, ऑलराइट, लेट्स डू दिस। अरे मैडम जी, वो यहाँ से चलो। अरे हुआ क्या है? अरे आपको बाद में बताता हूँ, आप पहले चलो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तू रिलैक्स कर, रिलैक्स। पहले पहले ब्रीथ, सांस ले, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाँ, बेटर बेटर, अब रिलैक्स। बताओ क्या हुआ? अरे मैडम जी, वो जो प्रोड्यूसर की बिंगी है ना, डिम्पल जी, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए अपने कमरे में बुलाया था। अच्छा, ये बताओ लीड रोल के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो मैडम जी, नाम बदल सकते हैं ना। बंटी सेवा आ गया, बंटी कपूर, बंटी खान, बंटी कुमार, जो आप बोलो। सिक्स पैक ऑलरेडी है, आज बना देंगे। दिखाओ। अरे मैडम जी, इंप्रेसिव। और क्या कर सकते हैं मैडम जी? जो 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 आप बोलो। तुम्हें बताऊं क्या मैडम जी? शुगर के आता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। अभी यार मुझे खुले आम, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो कास्टिंग, अरे कास्टिंग कोच हो गया मेरे साथ मैडम जी। हाँ वही, अभी चलो यहाँ से, मुझे मेरी इज्जत प्यारी है मैडम जी, चलो। अरे इससे बढ़िया तो बापू की 16 डेयरी फार्म संभाल लूंगा, सीता गीता सागवंती भागवंती इन सबको संभाल लूंगा, कम से कम मेरी इज्जत तो इज्जत रहेगी। यहाँ पे तो इज्जत की कदर ही नहीं, इज्जत बेच थोड़ी दूंगा अपनी। नहीं मैडम जी, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। बंटी कर लेना। क्या कर लेना? आई नो मैं प्रतुषा। हाँ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? हमारी 3 साल की मेहनत इस डिप्लोमा फिल्म में अटकी हुई है। ये पहला और आखिरी मौका है मामा को प्रूफ करने का, तो पहले पूरा प्लान तो समझ ले। देख बंटी, हमारी फिल्म का नाम है स्ट्रगलर। परफेक्ट। अभी का क्लाइमेक्स क्या है कि डूबते हुए सूरज के साथ स्ट्रगलर की भी उम्मीद डूब जाती है, पर मैं क्या सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस क्लाइमेक्स को बदल दें और हम कास्टिंग काउंसिल क्लाइमेक्स रखें। अरे अगर, अरे मगर कुछ हो गया तो? बस तूने उसको बस हाँ बोलनी है, उसके हाँ में हाँ मिलाता जा, शूटिंग खत्म कर दे, और जैसे तुझे लगता है कि तेरी इज्जत पे कुछ होने वाला है तो वहाँ से भाग जा। सिंपल। उसने मुझे इंडस्ट्री से निकलवा दिया तो? प्लीज, इंडस्ट्री उसके बाप की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैडम जी, आप लोग ना प्लीज बीच बीच में फोन करते रहना, थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी मेरी। जस्ट रिलैक्स, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल ओके, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। जैसे जैसे सपनों के शहर में सूरज डूबता है ना, वैसे वैसे एक स्ट्रगलर की उम्मीदें भी डूब जाती हैं। प्लीज जरा देखो ना, चेक इट आउट, व्हाट डू यू थिंक, लव योर फीडबैक। तुम लोग अभी तक इस स्टुपिड से फिल्म पर काम कर रहे हो? दिस इज एक्चुअली लुकिंग ग्रेट। इनफैक्ट हमें तो लग रहा है कि शायद इस साल ये यू नो बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिल जाए। ओह शट अप। तुम्हें याद है ना, आज रात को पार्टी है, इंडस्ट्री के बिग विग्स आने वाले हैं,
The best of producers and directors are going to be here tonight. So please sharpen your PR skills. अपने contacts बढ़ाओ और अपना career बनाओ. We're going now. But mama, why do you always need to under? Thanks, auntie. Thanks, auntie. अब सोच, अगर हमें किसी hit director को assist करने का मौका मिल गया ना, तो next 2-3 years में अपनी film बना सकेंगे. Please, I'm not interested in all these commercial movies. Please. वैसे एक काम तो कर सकते हैं हम. हाँ जी मैडम जी. हेलो, आज रात हमारे घर पार्टी है एंड यू हैव टू कम. क्या बात कर रही हो आप, मुझे इनवाइट कर रही हो? हाँ हाँ, बस 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 एक चीज याद रखना कि ये ना सोफिस्टिकेटेड सी पार्टी है. सोफिस्टिकेटेड से लोग आएंगे और सबसे बड़ी चीज मेरी माताश्री होने वाली है. सो प्लीज अपनी बकबक जरा कम. हाँ मैडम जी, चिंता मत करो, आ जाएंगे. सीरियसली तुमने उसे बुला लिया? आई एम टेलिंग यू डूड, यू आर इन लव विद हिम. ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मदद कर रही हूँ मैं उसकी. आई मीन फ्री में हमारे लिए काम कर रहा है और हमारे इतने सारे कॉन्टेक्ट्स है, तो उसका कुछ तो फायदा हो. अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हिम नोइंग मी? रियली पुअर गाय, यू आर सो इन लव विद हिम. I am in love with my film. और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना ऐसी अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि ये फिल्म ना बनेगी, जरूर बनेगी. मम्मा यू तो जस्ट वॉच आउट. जैसे जैसे सपनों के शहर में सूरज डूबता है ना, वैसे वैसे एक स्ट्रगलर की उम्मीदें भी डूब जाती. मैंने ड्रेस ली है, अच्छी लग रही है ना? प्रत्युषा देख ना, तेरा ध्यान किधर है? कुछ नहीं, कहीं नहीं. यार आज मजा आ रहा है ना, सब कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. तुम तो बहुत अच्छी लग रहे हो. और ये क्या, इस बार सही गुलदस्ता? हाँ थैंक यू. वैसे आप भी कह डा रही आंटी जी गए, आंटी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही. अरे आंटी वांटी को छोड़ो, मैं तुम्हें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे से मिलाती हूँ, उसका नाम है गिजी. चला Good evening, Mr. Grizzly. Hi, Prats. How are you? I'm good. How are you? Nice to see you. Meet my friend, Bunty. Okay. He's an aspiring actor. Oh, all right. Hello. Hi. Sir, Bunty se baat. Yeah, yeah. Inhe kaun nahi janta? Sir, sir. बहुत ही famous producer हैं. और sir, मैं तो आपको रोज सुबह good morning वाले forward message भेजता हूँ. Nice. Reply नहीं आता sir आप. Cheers. Nice to see you. I'll see you around, huh? Yeah. आंटी जी कहाँ हैं? इम्प्रेस तो नहीं करने आया हूँ. तेरी डिंपल जी फंस गया, आज बरी महफिल में इज्जत लुट जाएगी जी. मैंने इसको भी पार्टी में बुलाया, पता नहीं था. आप 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 चिंता मत करो, मैं डिंपल जी को संभालता हूँ. Pat, come here. तुम बाहर पर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? Come on, quickly.
Grizzly. Nice. Hey, how are you doing? Very well. My daughter Pratyusha? Oh yes, of course. वैसे I must say, आपकी daughter आप ही की तरह gorgeous है. Why? Thank you. वैसे हम पहले मिल चुके हैं. Oh really? Yeah. That's nice. By the way, I have to tell you something. मेरी बेटी का एक ही सपना है कि एक दिन ये बहुत बड़ी director बन जाए. Is that? And who better than you to give her guidelines? After all, it's industry की lifeline है तुम. Oh come on, don't worry. She's in good hands. I know. I'll just carry on. Sure. You guys have fun. Sure, all right. Sure. So, how come you're not dancing? Oh, I don't like to dance. Oh come on, अरे एक dance यार. It's my favorite track. चूरण बना दूंगा चूरण. समझा तू? हम बगल. और मैं देखता तुझे कौन जानता है आज के बाद इंडस्ट्री में. सुन मेरी बात. तेरी इंडस्ट्री रख अपनी जेब में समझा. अगली बार मैडम जी को हाथ लगाया ना और तोड़ दूंगा तेरा. उनकी बस. सिक्योरिटी सिक्योरिटी गेट हिम आउट ऑफ हियर. व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग आंटी जी. द हेल आर यू प्रत्युषा? तुम कहीं से किसी को भी उठा के लेके आती हो. आंटी जी मैं आंटी मैं पैर पोड़ा करने आया. सीरियसली यार, लाइफ में हर चीज की तरह तुमने ये पार्टी भी बर्बाद कर दी. कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सिक्योरिटी इनफ. अभी तुम चल. मैं तो आपको पैर पोड़ा करने आया था. बंटी चल. और सुने हाथ दूर लगा रही. शट अप बंटी. बंटी अरे रुको. अरे क्या कर रहे बंटी? रुक के बंटी. ये क्या किया तुमने अंदर? तुमने ये क्या किया बंटी? सब बिगाड़ दिया तुमने. मैंने बिगाड़ा? अरे मैडम जी फालतू की लेक्चर ना मारे को मत दो. अरे ये फालतू की पार्टियां वार्टियां ना मेरे से अटेंड नहीं होती. लगता है ना आपके सर के जो एंटीना है ना वो सब खराब हो गए हैं. अरे ये आपकी पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी इज्जत? अरे मैडम जी चाहती क्या थी आप कि मैं वहां पे बैठ के तालियां मारूं और वो ग्रिजली ग्रिजली जो भी नाम था उसका वो आपके मजे ले ले? और वो जब आपकी मम्मी जी आपसे बातें कर रही थी, जब आपको डांट रही थी, तब आपसे ग्रिजली के बारे में एक शब्द बोला गया? काय को बंटी You are overreacting. हाँ मैडम जी मैं overreact कर रहा हूँ. अरे ठेठ गांव से हूँ ना. आपकी भाषा में क्या कहते हैं? Emotional fool. नहीं बंटी. वही हूँ और खुश हूँ. अरे क्या क्या सोचा था मैडम जी आपके बारे में. सबसे अलग लगते थे आप. अरे आप एक अकेली लड़की थी जो अपनी सारी ड्रीम्स को पाना चाहती हूँ. अरे मैंने तो सोच लिया था मैडम जी कि दुनिया से चाहे लड़ना पड़े किसी से भी लड़ना पड़े ये बंटी सहवाग आपके लिए कुछ भी कर डालेगा. आपको आपके गोल से मिलवा के रहेगा. मगर गलती तो मेरी थी बंटी. बंटी तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. मैडम जी आज मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है. अरे जो इंसान अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता ऐसे लोग ना मैडम हमारी जिंदगी में ना हो पा. चलता हूं.
गलती हो गई मैडम जी, आप लोगों के तौर तरीके नहीं आते थे ना, इसलिए। बंटी, बंटी, I'm very sorry। मैडम जी, एक आखिरी बार मिलना चाहता था मैडम जी। इस शहर से मन खट्टा हो गया, सोचा कि जाते जाते आप लोगों की पिक्चर कंप्लीट कर जाऊं। नहीं बंटी, बंटी प्लीज मत। मैडम जी, काम की बात करते हैं, आपसे ही सीखा। Let's keep it professional. पर टूट क्लाइमेक्स होगा कैसे? डिंपल जी का तो अब तक कोई जवाब ही नहीं आया है। कॉल ऑफ कर सकते हैं। आप लोग कल सेटअप और कैमरा लेकर आ जाइएगा, मैं आप लोगों को घर पे मिलूंगा। चलता हूँ। Are you sure हम पुल ऑफ कर लेंगे ना? हमारे पास सिर्फ एक आखिरी दिन ही बचा है। फिल्म का तो पता नहीं, पर मैं आखिरी दिन ना बंटी के साथ जरूर स्पेंड करना चाहती हूँ। Is this okay? अरे यार ये वाला माइक नहीं, इस सीन में बंटी को टी शर्ट उतारनी होगी। Are you sure? टेम्पल को इतनी क्लोज आने की जरूरत है? इसमें हिडन कैमरा है, इसे सीन शूट करना, हम दोनों मॉनिटर पे होंगे। और डिंपल अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो तुम वहां से चले जाना। मैडम जी, आपको आपके सीन से मतलब है ना? आपको आपका सीन ओके मिलेगा। ये सेंचुरी की सबसे तगड़ी शॉट फिल्म होने वाली है। See you.
कहते हैं प्यार किया है कभी, उसमें तो लोग सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारा तो बराबरी का सौदा है ना जी। ये बात तो सही कही आप, प्यार में लोग सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होते हैं। पर मैंने बहुत मुश्किल से डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की है ताकि वो तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर ले ले। You got it? अब प्लीज जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ आप। I'm not interested in your stupid life, okay? What? मैडम जी आपने ही तो भेजा था, आपने ही तो कहा था क्लाइमेक्स चाहिए, लंबा सीन करना है। क्लाइमेक्स फिल्म मॉम इन सब से भी ऊपर चीजें होती है बंटी। व्हाट द हेल, ये कैमरा किसने लगाया? अच्छा जी, जैसे कि जैसे जैसे कि तो मॉम बंटी तुम ना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैडम जी पर हमारा मेल कहाँ हो सकता है, मैं ठहरा गांव का भैंसे चराने वाला आम जाट और आप शहर की मेम इंग्लिश बोलने वाली, हमारा मेल नहीं हो सकता मैडम जी। I don't care. हम चाहे अलग अलग दुनिया से आए पर हम एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। मैडम जी आपको पहली बार देखा था ना, तभी आपसे प्यार हो गया था। यू नो गाइस, अक्सर हम प्यार में है ना अपने फंडों से चिपके रहते हैं। इस बिकॉज इन फंडों की वजह से लोग यू नो प्यार में या रिलेशनशिप में घुसने से डरते हैं। यू नो यहाँ पर इस कहानी में लकीली प्रत्युषा को रियलाइज हो गया और उसने टाइम रहते बंटी से जाके अपना प्यार कन्फेस कर दिया और थैंकफुली बंटी ने भी इस चीज़ को ईगो पे ना लेते हुए ही अंडरस्टूड। वेल ये था इनका स्याप्पा जो सुलझ गया। अब ऐसे कई सारे और स्याप्पे बाकी हैं और ऐसे कई सारी कहानियाँ बाकी जो मुझे आपको सुनानी है, जो कि मैं आपको सुनाऊंगा हमारे अगले एपिसोड में। और ये है आशिकी सीजन 2 स्याप्पा इश्क। अंटिल देन Remember, keep falling in love.